गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट, मैं सृष्टि दीक्षित आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया करने की कोशिश सीखेंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बीसीए का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस के बारे में। हम आपको बताना चाहते हैं बीसीए क्या है, कैसे करते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्वेरी करते हैं कि मैम बीसीए क्या होता है, इसके बारे में इसको क्या करें, ट्वेल्थ के बाद हम कैसे कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके जिसको लेकर के हम बीसीए कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आज आपको लाए हैं, सारी की सारी चीजों को बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट है जिनको नहीं भी पता है कि मैं ट्वेल्थ के बाद कैसे बीसीए को करूं और क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर आज जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बीसीए के बारे में। ये आपका बीसीए, बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आपका एक ग्रेजुएशन है। जैसे हम लोग ट्वेल्थ के बाद करते हैं बीए, बीएससी, जितने भी जिसको जो भी पसंद होता है, अपना इंटरेस्ट होता है, वो उसके अकॉर्डिंग करता है। तो हम आज लेके आए हैं आपके लिए बीसीए के बारे में। ठीक है, बीसीए सिलेबस डिस्कस। तो हम बीसीए के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बीसीए कितने साल का होता है, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, किसमें सेमेस्टर होते हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो जैसे कि आपका होता है बीसीए, बीसीए का ड्यूरेशन जो होता है वो आपका 3 इयर्स का होता है। ठीक है, 3 इयर्स का बीसीए होता है, जिसमें सेमेस्टर आपके होते हैं, टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, ये 3 इयर का होता है। हर साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। बीसीए कब कर सकते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम बीसीए कब कर सकते हैं। तो बीसीए बच्चा आप कर सकते हो आफ्टर ट्वेल्थ, यानी ट्वेल्थ के बाद आप बीसीए का कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोग को चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी। और इसमें हम क्या क्या चीजें, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, ठीक है, लैब का वर्क हमें करना होता है, एक असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है। जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, हम लोग एग्जाम वगैरह अपना दे लेते हैं, तो मुझे सबमिट करना पड़ता है। तो असाइनमेंट एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, वो हम सबमिट कराते हैं। फिर 2 टाइप से आप बीसीए कर सकते हैं, 2 प्रकार से, जैसे कि आपका होता है प्रोफेशनल एंड रेगुलर, 2 बेसिस पे आप कर सकते हैं बीसीए। प्लेसमेंट भी आपको मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग बेसिक लेवल से हमें स्टार्ट करना होता है। सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर्स होते हैं, इसमें आपको 40% एवं आपको 60% लाना होगा पास होने के लिए। ये आपका बेस्ट स्कोर होता है। बेस्ट कंपनी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे जो भी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी में वर्क करना हो पड़ते हैं, आईटी प्रोफेशनल, आईटी जो है आपका, ये बहुत ही बेस्ट है। आप कहीं भी जाएंगे आईटी सेक्टर के लिए, ये बहुत ही बेस्ट होता है। कोडिंग में जाना हो आपको, जैसे कि आपका डाटा साइंस एक प्रकार का कोडिंग है, वो आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपका होता है, वो आप सारी चीजों को कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड लैंग्वेज, डाटा साइंस, ये सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे करेंगे। एडवांस में मैथ्स, यानी मैथ्स इसमें कंपलसरी होता है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं मैथ्स नहीं लिया हूँ ट्वेल्थ में, मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे करूँ। तो कोई भी बच्चा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो आई होप आपको चीजें थोड़ा बहुत समझ में आ रही होंगी, मैं ये आशा करती हूँ। ठीक है, सी लैंग्वेज एक आपका मदर लैंग्वेज, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ही आपका इसका यूज किया, जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाई जाती है। बाकी आपका मैनेजमेंट का भी अच्छा सिलेबस होता है। किसी भी अच्छे लेवल पे अगर आपको वर्क करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बीसीए करके अच्छी कंपनीज में कहीं भी जॉब करूं, तो आपको बेसिक अच्छे लेवल पे जॉब करने के लिए, आपको किसी कंपनी में वर्क करने के लिए बीसीए आपका कंप्लीट होना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, तभी तो आप चीजों को काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। तो जब आप बीसीए पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें, आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कंटेंट होता है, उसमें आपके जो भी टीचर्स रहेंगे, वो आपको धीरे धीरे सारी कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, जो मार्केटिंग होता है हमारा, एक प्रकार का जो हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग मार्केटिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। अकाउंटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे, चीजें क्या है। फिर नियर अबाउट आपके 6 सेमेस्टर्स होते हैं बीसीए में, आपके टोटल जो है 6 सेमेस्टर्स होते हैं। हर सेमेस्टर में आपको 3 से 4 थ्योरी प्लस आपके 2 प्रैक्टिकल्स आपको करना पड़ता है। आपके टोटल के टोटल ये चीज, प्रैक्टिकल में ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अगर कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं सपोज दैट, तो आपको प्रैक्टिकल पे वर्क करना होगा ना, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस कर पाएंगे, आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि थ्योरी तो ठीक है, आप थ्योरी पढ़ भी सकते हैं ऐसे भी, लेकिन मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल। तो आपका जितना अच्छा प्रैक्टिकल आप कर पाओगे, उतना ही अच्छा। लैब में रहने से आपको कोई आवश्यकता नहीं कि आप लैब में जो अपना टाइम वेस्ट करो, नहीं, आपको प्रॉपर उस पर फोकस करना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग, यानी लॉजिकल माइंड होना चाहिए। रीजनिंग, जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें, बीसीए आपको बेस्ट कॉलेज से करना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में अपनी चीजों को कर सके बीसीए। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा बेनिफिट्स ऑफ बीसीए, बीसीए करने से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बीसीए का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। बीसीए के कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मैम बीसीए क्यों करें, किस लिए करें, हमें चीजें क्या है। तो बीसीए करना, बीसीए 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जो कि ऑल अबाउट कंप्यूटर का, बीसीए की पूरी तरह से एक प्रकार का कंप्यूटर नॉलेज है।
बेस कोर्स है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा क्या है हमारा, कंप्यूटर का एक नॉलेज है, ठीक है, जो कंप्यूटर को टॉप मोस्ट प्राइवेट देता है, ठीक। सेकंड आपका था सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड क्या चीजें होती हैं? तो बीसीए कोर्स एक सॉफ्टवेयर हाई ओरिएंटेड कोर्स होता है जिसका पूरा फोकस सॉफ्टवेयर पर होता है, ठीक है। कंप्यूटर दो फील्ड बहुत ही प्रोसेसिव फील्ड होते हैं। कैरियर की बात करें हम, तो कैरियर में बीसीए करने के बाद हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, हम कैरियर किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। बीसीए का जो कोर्स के बाद आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होता है, आप अपने चूज के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कैरियर ऑप्शंस है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, चीजें क्या क्या हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी जो भी हम बताएं। पूरा प्रयास करें कि मैं आपका अपना 100% दूं, आप चीजों को कम से कम उस चीज को समझ सके, और अपने आप फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी चीजें पता चल सके कि आखिरकार बीसीए क्या है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें हम बताएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोफेशनल, मतलब ये सारे हमारे क्या जॉब से ओरिएंटेड है। डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट, और मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये सारी चीजें हम आराम से कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर केवल आईटी कंपनी तक नहीं रह गया है, आजकल हम कंप्यूटर के जो रिक्वायरमेंट है कहाँ कहाँ तक हम चीजों को कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये कंप्यूटर केवल आईटी कंपनी तक ही नहीं, बल्कि हर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी की जरूरत बन गई आजकल। हर कंपनी स्किल एंड टैलेंटेड कैंडिडेट्स, यानी जो हमारे टैलेंटेड कैंडिडेट्स होते हैं, हायर कर सकते हैं, हायर करना चाहती है जो, यानी कि हायर कब करेंगे, जैसे कि आप हो, आप बहुत बेस्ट तरीके से अगर आप स्टडी किए रहेंगे तभी तो आप किसी बड़ी कंपनी में अपना वर्क कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो सारी की सारी हायर करती है जिन्हें कंप्यूटर फील्ड की नॉलेज हो। ऐसे में बीसीए कैंडिडेट को हायर करने वाले टॉप रिक्वायरमेंट्स की कोई कभी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी कमी नहीं होती है। सम रिक्वायरमेंट्स जस्ट लाइक IBM आपका हो गया, ठीक है, Oracle हो गया, इन्फोरेंस हो गया, Google हो गया, HCL हो गया, यानी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। गुड ऑप्शन फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्यूचर स्टूडेंट यानी BCA करने के बाद आप जॉब तो आसानी से ले ही सकते हैं, इसके अलावा बीसीए के बाद आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे हैं और ठीक है अच्छे ऑप्शंस डालते हैं, ऐसे कोर्सेज को करते आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलता है, अच्छा मिल रहा है, यानी एडवांस प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, आपके जॉब और सैलरी बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो ऐसे ही कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि आप MBA CIT मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, MSc यानी IT कर सकते हैं, CNP फॉर CCNA सर्टिफिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेशन का कोई कोर्स करेंगे तो आपको वहां पे सारी चीज, माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड सॉल्यूशन एसोसिएशन सर्टिफिकेट होता है, वेदर सर्टिफिकेट हो गया। तो BCA प्राइवेट सेक्टर में बहुत से जॉब ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक, बहुत से जॉब ऑप्शन अवेलेबल है आपका BCA करने के बाद। इंडियन एयरफोर्स में आप जा सकते हो, इंडियन आर्मी में भी आपके बहुत सारे स्कोप है, ओके, इंडियन आर्मी में बहुत सारे स्कोप, नेवी जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने IT डिपार्टमेंट के लिए कंप्यूटर प्रोफेशनल को हायर करते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आप जितने अच्छे नॉलेज अपने पास रखेंगे उतने ही अच्छी चीजों के अकॉर्डिंग आप आराम से अपने BCA के साथ आप किसी भी बेस्ट से बेस्ट कंपनी में जाकर के अपने जॉब को आराम से करते। बट इसके लिए भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप वो चीजों को कर नहीं पाएंगे। थोड़ा ऐसे ही, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप थोड़ा ही पढ़ना चाहते हैं थोड़े में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। गुड सैलरी पैकेज, अब हम जान लेते हैं बीसीए के बाद अगर आपको किसी कंपनी में जॉब करना है तो उसकी सैलरी क्या हो सकती है। जैसे कि आईटी फील्ड हायर में से एक इसलिए बड़ी नेशनल मल्टी कंपनी में वर्क करने वाले कंप्यूटर प्रोफेशनल को, एक फ्रेशर को करीबन आपके 20,000, ठीक है, करीबन आपके 20,000 से 40,000 तक पर मंथ आपके सैलरी मिलती है। और अगर आप MCA जैसे कोर्सेज, और जैसे कि आप जावा सीखे हैं, Oracle हो गया, C++ आपकी सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, आजकल बहुत सारी लैंग्वेज होती है, जैसे सबसे पहले आपका सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा भी आपकी बहुत बेस्ट लैंग्वेज है, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, हम लोग ओ लेवल में पाइथन सीखते हैं, बीसीए में भी बहुत से आपके कॉलेजेस में एंड देन आपका है, तो वो चीजें सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज रखते हैं तो आपकी सैलरी काफी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है, यानी कि जो भी गुड सैलरी पैकेज होता है अगर आप आईटी फील्ड में,
तो आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, मतलब आपका 20,000 से लेकर के 40,000 तक कंप्लीट पैकेज आपको अच्छी खासी सैलरी वहाँ पे इंप्रूव करने को मिल जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी जो भी मैं थोड़ी चीजें बताई। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ भी डाउट होते हैं, कहीं भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर हुआ हो, तो बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे ऐप के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप वहां से जा करके आराम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को हमें पूरा देखना है, तभी हमें चीजें समझ में आएगी। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, जो भी डाउट होगा उसे आप फिर से देखेंगे, देखने के बाद हमें कॉल व्हाट्सएप करके अपने डाउट को आराम से क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है, ठीक है। अभी हम जान लेते हैं बीसीए का जो है स्पेशलाइजेशंस क्या होता है। जैसे आईटी टेक्नोलॉजीज है, म्यूजिक एंड वीडियो प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS यानी इन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपके बहुत सारे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, C++, C लैंग्वेज, जावा, तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपका C++, जावा और मोर मतलब आपके जो भी होंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएगी। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या चीजें होती है, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट का भी आजकल भाई बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक, यानी कि हम लोग अगर फोन यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से तो यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा इंटरनेट का भी बहुत ही बेस्ट रोल होता है। नेटवर्क सिस्टम भी होना चाहिए। आप फोन जियो का चला रहे हो, अगर जियो का नेटवर्क चला रहा है तो फोन काम नहीं करता है, तो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं यूज होते, तो इसके लिए हमारा जो है ये नेटवर्क सिस्टम भी बहुत ज्यादा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS भी आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको इसमें, सिस्टम एनालिसिस होता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें हमने कहा बीसीए का स्पेशलाइजेशंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे चीजें होती हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ, ठीक है। बीसीए कोर्सेस सब्जेक्ट, अब हम जान लेते हैं बीसीए कोर्स में हमारे सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। जैसे कि बहुत सब्जेक्ट आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अभी मैं आगे आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी, टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आपकी इंडिया लेवल पे आप जहां भी हैं कहीं से भी आप यूनिवर्सिटी के कोर्स आराम से कर सकते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं आपके क्या बीसीए कोर्सेज सब्जेक्ट आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि फंडामेंटल ऑफ आईटी की कंप्यूटर, ये आपका बहुत ही बेस्ट है। आईटी तो किसी भी फील्ड में आपको आईटी तो होना ही चाहिए भाई, आईटी से ही सारी आपकी स्टार्टिंग हमारा क्या फंडामेंटल यानी कि बेस, अगर हमारा बेस स्ट्रांग है तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। तो इसके लिए हमें अपना बेस, तो बेस जो है कंप्यूटर का बेस क्या है, फंडामेंटल यानी बेस ऑफ फंडामेंटल, बेसिक ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं, तो हमारा बेसिक ऑफ फंडामेंटल है। अभी हम जान लेते हैं बेसिक एंड एडवांस मैथमेटिक्स टू, दो मैथमेटिक्स होता है, एक आपका बेसिक मैथमेटिक्स होता है फंडामेंटल का, एक आपका होता है कंप्लीटली वो सारी चीजें। फिर आता है इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका बहुत ही बेस्ट होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आना चाहिए। बहुत सी यूनिवर्सिटी में आपके फाइव, जैसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी में आपके जैसे सिर्फ 5 सब्जेक्ट हो गए, बहुत सी यूनिवर्सिटी में वही 6-7 या 2-3 सब्जेक्ट हो गए, तो ये सारी चीजें, तो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है। सी लैंग्वेज लैब वर्क, सी लैंग्वेज आपकी थ्योरी भी है, लेकिन ज्यादातर सी लैंग्वेज क्या है हमारा प्रैक्टिकल ही है, तो हमें वो चीज आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल पे फोकस ज्यादा करना। मैं बार बार ये चीज आपको बता रही हूँ, हमारा प्रैक्टिकल ज्यादा इंप्रूव। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंडामेंटल के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, इसके बारे में आपको चीजें बताई जाएंगी। सी लैंग्वेज एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ लैब यानी सी लैंग्वेज आपका लैब के साथ सारी चीजें कराई जाए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं, तो ये पार्टिकुलर जरूरी नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट में, यानी आपके इसी में से कुछ सब्जेक्ट होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके सेकंड सेमेस्टर में होंगे इसी में से सब्जेक्ट, और किसी यूनिवर्सिटी में इसी में से आपके थर्ड, यानी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत ही ऐसे सब्जेक्ट आएंगे। वो आपके डिपेंड करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। जैसे कि इग्नू का नाम आपने सुना होगा, तो इग्नू में आपके बेसिकली जैसे कि इंग्लिश हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड इंग्लिश हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, तो ये सारी चीजें जो होती है फंडामेंटल तो बेसिकली सारे कोर्सेज में अवेलेबल होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम होने की आवश्यकता नहीं है। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं आपके, DBMS होता है, ठीक है। डिजाइनिंग क्या है, डाटा स्ट्रक्चर भी बहुत बेस्ट रोल करता है, डाटा स्ट्रक्चर की भी कोर्स मैंने आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका एक स्लैब सब्जेक्ट होता है, जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है, पाइथन भी एक प्रकार की आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एडवांस जावा पाइथन का लैब होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव है, ठीक है, और इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट भी होते हैं, काफी ज्यादा ये प्रोग्रेस में भी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा। एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है, लास्ट में आपके आ जाते हैं प्रोजेक्ट यानी असाइनमेंट बनाना। तो
हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग क्लास 6, 7, 8 यानी 12th तक पढ़े हैं, 12th में भी हम लोग जब सारी चीजें कंप्लीट कर लेते थे तो एक असाइनमेंट बनाना पड़ता था, उसी अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स करेंगे लास्ट में एक प्रोजेक्ट एक असाइनमेंट हमें बनाना होता है। चलते हैं देखते हैं आगे क्या है, क्या चीजें। BCA का, BCA कोर्सेस फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गेम डेवलपमेंट एंड्रॉइड एंड iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। BCA जो हायर स्टूडेंट्स ऑप्शन जो होता है आपका, जैसे मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA का होता है, BCA के बाद हम MCA कर सकते हैं, जैसे हम BA के बाद MA करते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी बैचलर ऑफ आर्ट मास्टर ऑफ आर्ट, ऐसे ही हम लोग BCA के बाद यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर के बाद हम लोग MCA यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल होता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन PGDCA, PGDCA जो होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो PGDCA होता है ये आपका एक डिप्लोमा का कोर्स है, तो चाहे आप BCA भी कर सकते हैं, आप PGDCA भी कर सकते हैं, आप ओ लेवल भी कर सकते हैं, आजकल ओ लेवल भी बहुत ज्यादा हायर है। ठीक है, ओ लेवल आपका एक डिप्लोमा का कोर्स है, लेकिन BCA आपका क्या है, ग्रेजुएशन कोर्स। टॉप जॉब प्रोफाइल फॉर BCA ग्रेजुएट, जॉब के बारे में जान लेते हैं कि हमें जॉब क्या आता है, जैसे टॉप जॉब, मिड टेन टॉप जॉब, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हो। ठीक, और सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, IT एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टेड बन सकते हैं, वेब डेवलपमेंट जो हमारे वेबसाइट बड़े बड़े क्रिएट होते हैं वो कैसे बनते हैं, प्रोग्रामर हम लोग। ठीक है, जो बड़े बड़े प्रोग्राम कोडिंग वगैरह क्रिएट करते हैं वो सारे यहीं से होते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं, वेब डिजाइनर होते हैं, ये हम सीख सकते हैं आराम से ग्रेजुएशन करने के बाद। टॉप रिक्वायर्ड WHO हायर BCA ग्रेजुएशन, ये चीजें हैं, जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारे धीरे धीरे ये सारी चीजें आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं आप एक एक चीजों के बारे में। टॉप गवर्नमेंट कंपनीज WHO हायर BCA स्टूडेंट, जो टॉप गवर्नमेंट होती है, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट हैं, जैसे हम जान लेते हैं यहाँ पे कुछ मैंने आपको दिखाया है, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो जो WHO होता है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट को वो हायर करती है, WHO हमारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंपनी है गवर्नमेंट की, ये कुछ BCA के स्टूडेंट को हायर करती है अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए। तो जैसे कि आपका ISRO होता है, ठीक, ISRO ये चीज हो गया, आपका DRDO हो गया, ठीक, BHEL हो गया, SALI हो गया, GALI हो गया, BSNL भी एक प्रकार क्या की, SNL का फुल फॉर्म आपका होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, ये आपका MTNL भी आपका एक प्रकार, ये सारी जो गवर्नमेंट कंपनी है WHO की कंपनी है। व्हाट आर फी BCA का फीस, सबसे मेन ये चीज, सब बच्चे पूछते हैं मैम मैं किस कॉलेज से करूं या सर मैं किस कॉलेज से करूं, ताकि हमें कम से कम फीस में हमारे अच्छे स्कोप मिल सके BCA, तो हम जान लेते हैं व्हाट आर BCA फीस, फीस का स्ट्रक्चर हम थोड़ा समझ लेते हैं। द फी स्ट्रक्चर फॉर BCA इन गवर्नमेंट कॉलेज, सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं कि उसकी फीस की क्या हो सकती है। ठीक, इंडिया रेंज फॉर NIR मतलब मिनिमम आपके जो फीस हो सकते हैं वो करीबन आपके 10,000 से लेकर के आपके 50,000 तक हो सकते हैं पर ईयर, यानी पर ईयर आपके जो फीस है वो आपके 10,000 से लेकर के आपके 50,000 तक आराम से हो सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड हैव, ठीक, ये तो सारी चीजें हो गई हमारी गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर, गवर्नमेंट में अगर आप BCA करना चाहते हैं तो करीबन आपके 10,000 से लेकर के आपके 50,000 तक लग जाएंगे, ये पर ईयर आपकी फीस लगेगी। ठीक, अगर हम मान लेते हैं अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में ना कर पाए तो हम प्राइवेट सेक्टर में अगर हम BCA करें तो वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या हो, तो अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट से BCA कर रहे हैं ऑफ ऑन द अदर हैंड हैव तो सिग्निफिकेंटली हायर फीस विद द फीस रेंजिंग फ्रॉम NIR मतलब नियर अबाउट आपके 50,000 से लेकर के आपके 20,00,000, ठीक, पर ईयर आपको, और इवन हायर इन सम केस, मतलब आप पे वो केस पे डिपेंड करता है कि आप चीजें क्या है कैसे, वो केस इन द सेंस कि प्राइवेट कौन सा कॉलेज है, किस जगह से आप कर रहे हैं, तो वो उस कॉलेज पे डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बताया है कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपने BCA के कोर्स को आराम से कर सकते हैं। टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन BCA, हमने अभी बात किया था ना थोड़ी देर पहले कि हम आपको बताएं कि ऐसे कौन बेस्ट टॉप 10 यूनिवर्सिटी है जहां से आप BCA को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं थोड़ा सा टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में। जो फर्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रथा यूनिवर्सिटी सेक्टर 1B देवखड़ा, ठीक, देवरका दिल्ली में यानी इंडिया, ये आपका दिल्ली में है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रथा यूनिवर्सिटी।
सेकेंड आपका है एस टी जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर, ये आपकी जो इंस्टीट्यूट है एस टी का इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका बेंगलुरु में, जो भी स्टूडेंट बेंगलुरु में है या नहीं है तो भी वो ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, एडमिशन वहां पे आराम से ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी की आवश्यकता उन्हें नहीं। थर्ड हम जान लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी हमारी है, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। जो भी स्टूडेंट कानपुर में बिलोंग करते हैं वो वहां से उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे और आराम से वहां, अगर वो नहीं कानपुर में भी रहते हैं तो भी वो कहीं से रहकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके अपना एडमिशन आराम से बीसीएम ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ हम जान लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी, JNVU यानी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जो कि आपके कहां पर है, जोधपुर राजस्थान में है, राजस्थान में ये यूनिवर्सिटी बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट्स, द महाराज शिवा शहराज यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए, ये बड़ौदा में आपका। ठीक है, सिक्स हम जान लेते हैं इग्नू, इग्नू के बारे में तो भाई सब कुछ जानता है, इग्नू आपके टॉप 10 में बहुत ही बेस्ट अच्छी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी अपने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट है, जिसको जैसा लगता है वो, तो जो इग्नू कोई कुछ ज्यादा ही फॉलो करते हैं। और हमारी बीसीए की हम आपको एक चीज और भी बता दें कि आप जैसा कि जानते होंगे आप लोग, हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूनिक ऑनलाइन गुरु, इस यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आपको बीसीए चाहे ओ लेवल हो चाहे जितने भी कंप्यूटर के कोर्स आपको करना हो, आप आराम से इस हमारे चैनल से जुड़िए, जुड़ने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे आप कोई भी कोर्स करते हो किसी भी कंप्यूटर फील्ड से हो, आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को ताकि वो लोग भी चीजों को जान सके, चीजें के ताकि कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी सो आप हमें कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते। ठीक, और हम जान लें इग्नू के बारे में, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि आपकी कहाँ पे है, नव दिल्ली में है। ठीक, तो ये सारी चीजें, पंजाब यूनिवर्सिटी है आपकी चंडीगढ़ में, अमेठी यूनिवर्सिटी आपकी राजस्थान में है, आचार्य नारायण ठीक है यूनिवर्सिटी है आपका, बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे जो बच्चे इलाहाबाद में है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी अपना आराम से कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं पूछते हैं ना कि इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में क्या बीसीए होता है, बेसिक होता है, आप सभी लोग जान जाएं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बीसीए के कोर्स, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी होंगे, टॉप 10 कॉलेजेस होंगे इलाहाबाद के अंदर। अभी हम बता देते हैं आपको, हमारा एक यूनिक ग्रुप एप्लीकेशन भी है, तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं पूरा जीरो लेवल से लेके हाई लेवल का कंप्लीट क्लास करें, चाहे ओ लेवल की क्लासेस हो चाहे वो बीसीए की क्लासेस हो, किसी भी प्रकार की कोई भी क्लास अगर वो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग वो जुड़े, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कराएगी, घर बैठे वो स्टडी कर सकते हैं अपनी बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं एप्लीकेशन के बारे में आपको बताती हूँ, हमारा एप्लीकेशन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है, प्ले स्टोर को आपको ओपन करना है, सीधे आपको जाना है सर्च बार पर, ठीक है, आपको सर्च बार ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको सर्च करना है यूनिक ग्रुप। ठीक, आपको ये यूनिक ग्रुप का एप्लीकेशन मिल जाएगा, यानी इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ये आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा, प्ले स्टोर को ओपन करना है, आपको सर्च बार पे यूनिक ग्रुप एप्लीकेशन को सर्च करना है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे, ब्लू कलर का ट्रायंगल के आकार का बना हुआ एप्लीकेशन आपको मिलेगा, और एप्लीकेशन पे आपको कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी है, मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, उस कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग भी आप चीजों को अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिख देती हूँ कॉन्टेक्ट नंबर, आप वहां से जाकर के आराम से अपने कॉन्टेक्ट को कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे जा करके आप अपने क्वेरी को आराम से कर सकते हैं। ठीक, मैं ऐसा आशा करूंगी कि आपको सारी चीजें बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ में आई होंगी, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन अगर रहा होगा आप लोगों को, आप वीडियो को आराम से देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव को शेयर करने की कोशिश करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा ताकि उन लोगों को पता चल सके कि क्या है चीजें क्या कैसे नहीं। बाकी डिस्क्रिप्शन पे भी कॉन्टेक्ट नंबर है, मैंने यहाँ पे भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दिया है। आई होप आप लोग का सपोर्ट आप लोग का प्यार अगर ऐसे ही बना रहा है तो हम और भी चीजों को लाने की कोशिश करेंगे, जैसे ओ लेवल हो गया और भी चीजें, बीसीए की और भी कुछ नई अपडेटेड आती है तो मैं उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।